स्वागत है आपने YouTube चैनल कैरियर क्लासेस में। दोस्तों, आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का चैप्टर चल रहा था और हम लोग आज उसको आगे तक ले चलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ों को आपने पढ़ा है, आप इस नेक्स्ट वीडियो में आप कुछ अलग सीखेंगे, अलग चीज़ों का को करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो बड़े आसान से सर्च करके आप उसे देख लें, ताकि वो बहुत ही बेसिक चीज़ें थी और उसे सीखना अनिवार्य है। दोस्तों, आज हम लोग चलेंगे एक नए तरह के क्वेश्चन पे, जो आपको इस सेशन में बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत शानदार सा सेशन होगा। दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, यदि ए इज टू बी दे रखा है 2:3, यानी ए संबंधे बी इज इक्वल टू 2:3, और यहाँ पे दे रखा है बी संबंधे सी इज इक्वल टू 6:5। अगर यहीं पे आपसे पूछ दे कि ए संबंधे बी संबंधे सी का मान क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों, इसे करना बहुत आसान है। आप इन्हें दो विधियों से कर सकते हैं, जो कि हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं कि एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, जैसे ए संबंधे बी संबंधे सी निकालना है आपको, तो आप इसका गुणा इसमें कर लीजिए और इसका गुणा इसमें कीजिएगा और इसका गुणा इसमें। पहला काम क्या करना है आपको, इसका गुणा इसमें करिएगा 6 × 12, यानी आपका आएगा ए संबंधे बी संबंधे सी डायरेक्ट निकलेगा आपका 6 × 12 संबंधे। दूसरा काम इसका गुणा इसमें करना है 6 × 18 फिर संबंधित। तीसरा काम इसका गुणा इसमें करना है, यानी 5 × 15। दोस्तों, इसमें जो कटेगा आप उसे काट देंगे, जैसे ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कट, सरल कर लेंगे आप। 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15। अब इससे ज़्यादा ये कटने वाला नहीं है, अतः आपका आया ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर 4 × 6 = 5। इस तरीके से दोस्तों, ये बड़ी आसानी से निकल जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों, इसे आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसे दोस्तों, ये था ए संबंधे बी बराबर 2:3 और बी संबंधे सी बराबर 6। आप काम कर सकते हैं दोस्तों कि अगर यहाँ बी से एंड होता है तो यहाँ बी से स्टार्ट होना चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं, इस बी को हम बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 बना लें। 6 बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो ये आपका जो बनेगा वो आ जाएगा आपका क्या, ए संबंधे बी का मान आएगा 2×4 संबंधे 2×3 6, और यहाँ आएगा बी संबंधे सी बराबर, ये तो 6 और 5 ही है। अब आप लिख सकते हैं डायरेक्ट ए बी सी, क्या ए का मान 4 है, 4 संबंधे, बी का मान 6 है, यहाँ भी 6, कोई भी ले सकते हैं आप, 6 है संबंधे, सी का मान 5 है। देखिए दोस्तों, ये भी आया कितना, ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर 4×6 = 5, और यहाँ भी आपका आया था 4×6 = 5। तो दोस्तों, आपको जो भी तरीका दोनों में से अच्छा लगे आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक पहला क्वेश्चन था, और भी इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं आपको। आपको जैसे यहाँ पे आपको दोस्तों दे दें कि ए संबंधे बी इज इक्वल टू 2:3 और बी संबंधे सी इज इक्वल टू 4:5, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो आप इसे कर सकते हैं कैसे, एक तो पहला वाली रूल लगा करके ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर, पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, एक ही बार में आ जाएगा, बराबर नहीं करना होगा। 2×8 संबंधे, ये 8 है, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 4×3 = 12 संबंधे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 5×3 = 15। दोस्तों, अगर कुछ कटता है तो काट देंगे, सरल कर लेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, यानी इसका ये जो है रेशियो यानी अनुपात बन जाएगा। दोस्तों, आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इसे जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप इन्हें सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये मेरा वीडियो जो है आपको आसानी से मिलता रहेगा। और ये बहुत ही अच्छा अच्छा ट्रिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं हम। अब देखिए, जैसे ए संबंधे बी इज इक्वल टू 2:3 और बी संबंधे सी इज इक्वल टू 4:5,
5, यही था। हम क्या करें, पहले बी को बराबर कर लें। तो बी को बराबर करने के लिए हम क्या करें, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो इसमें 4 का गुणा कर दें, इसमें 3 का गुणा कर दें, ये भी हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12। आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे तो भी पता चल जाएगा क्या लाना है यहाँ पे। जैसे दोनों का एलसीएम लेंगे तो भी 12 आएगा, तो आप जान जाएंगे कि इसमें इसको भी 12 बनाना है और इसको भी 12 बनाना है। तो इसको 12 बनाना है तो क्या करना होगा, 4 से गुणा करेंगे, और इसको 12 बनाना है तो क्या करना, 3 से गुणा करेंगे। तो आपका ये आ जाएगा ए संबंधी बी बराबर 2 चौका 8 संबंधी 3 चौका 12। इस तरीके से आप जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो बी संबंधी सी इक्वल हो जाएगा कितना, 4 तेई 12 संबंधी 5 तेई 15। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर, ए का मान देखिए 8 है, ये बी का मान 12 है और सी का मान 15 है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 संबंधी 12 संबंधी 15। देखिए दोस्तों, इस वाले आंसर में और इस वाले आंसर में कोई भी डिफरेंट नहीं है, अतः दोनों भी तरीकों में से आपको जो अच्छा लगे आप किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए नए तरीके के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।